हेलो सो लेट अस स्टार्ट अबाउट सम एब एनजाइम्स एब एनजाइम्स का दूसरा नाम कैट मैप भी बोला जाता है कैट मैप क्यों बोला जाता है क्योंकि ये तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है कैट मींस कैटालिटिक एम मींस मोनोक्लोनल ए बी मीन्स एंटीबॉडीज़ सो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी एंटीबॉडी जो कि एंजाइम की तरह काम करेगी तो so, इसका मतलब उसमें कैटालिटिक एक्टिविटी है एक एंटीबॉडी जो कि एक रिएक्शन को कैटालाइज करवा सक रही है करवा सकती है जैसे कि एंजाइम करता है रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा दूसरी बात इसमें मोनोक्लोनल एंड मोनोक्लोनल नाम इसलिए आया है जैसे कि हमें पता है कि एक एंटीजन होता है एंटीजन के सरफेस पे एक स्पेसिफिक अगर एक प्रोटीन है मान लो एक्स प्रोटीन है तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी अगर एक स्पेसिफिक इसी एक एपिटोप के अगेंस्ट स्पेसिफिक है तो वो एंटीबॉडी किस टाइप की होगी वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगी नेचर में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बहुत कम होती हैं लेकिन हम इन्हें आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एंड तीसरी चीज़ कॉम्बिनेशन में है एंटीबॉडी सो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हमें डिटेल में पता है कि इट इज़ कम्पोज ऑफ लाइट एंड हैवी चेंज एंड तो इस तरीके की एंटीबॉडी जो जिसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी है और वो मोनोक्लोनल है इट इज स्पेसिफिक फॉर ए स्पेसिफिक सरफेस रिसेप्टर ऑन एन एपिटोप ऑफ एन एंटीजन सो ये इसकी टर्मिनोलॉजी होगी सो एब एजाइम इज ऑल्सो नोन एज कैट मैब इस तरीके की एब एंजाइम मीन्स एंटीबॉडी विच हैज़ एन्जामेटिक एक्शन सो आगे चलने से पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो हमारे पास इस ग्राफ में आपको रिएक्टेंट्स ए एंड बी दिख रहे हैं एंड प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू दिखेंगे तो ए एंड बी जब पी एंड क्यू में कन्वर्ट होते हैं यहाँ पे आपको दो रिएक्शन दिख रही हैं एक रिएक्शन में हमारे पास एंजाइम नहीं है और एक में हमारे पास एंजाइम है सो so, इनमें जो डिफरेंस आ रहा है दोनों तरफ से पी एंड क्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे एंज़ाइम के बिना भी बनेगा लेकिन एंजाइम के साथ भी बनेगा लेकिन जब एंजाइम के बिना बनेगा तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट बनेगा एक मिनट में जस्ट फॉर एग्जांपल हम इसको सपोज करते हैं लेकिन जब हम उसी रिएक्शन में सोल्यूशन में एंजाइम डाल देंगे तो वो रिएक्शन में अराउंड हंड्रेड मॉलिक्यूल्स पर रिएक्शन प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे सो so, बेसिकली होता क्या है कि जब एंजाइम डाला जाता है तो आप ये डिफरेंस देख रहे हो ये बेसिकली क्या है एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी जो कि सबस्ट्रेट्स की एनर्जी होगी जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देगा ताकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन फास्ट हो सके सो so, जब ए एंड बी कंबाइन होते हैं तो एनर्जी लूज होती है एनर्जी जो लूज़ होती है वही एनर्जी यूज़ होती है एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करने के लिए एंड फाइनली हमें मिलता है पी एंड क्यू प्रोडक्ट्स जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा के मिलता है एज़ कम्पेयर टू जब एंजाइम नहीं होगा अब बात समझने वाली क्या है कि जब हम ए और बी की रिएक्शन देखते हैं तो जब ए एंड बी के साथ एंजाइम कंबाइन होता है तो हमारे पास बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है पी एंड क्यू बनने से पहले ये जो आपको एक स्टेट दिख रही है तो जो एक स्टेट है ये बेसिकली क्या है ये एंजाइम और ए एंड बी सब का एक ट्रांजिशन स्टेट है अब यही एक हमारा मेन प्रिंसिपल है एब एनजाइम्स का तो यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा एक्स जो है वो ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें कि हमारा एंजाइम ए और बी के साथ सब के साथ लग चुका है ये जो स्टेट होती है ये बहुत ही रिएक्टिव होती है लेकिन ये बहुत अनस्टेबल होती है अनस्टेबल मतलब ये बैक रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है वापस ए और बी में कन्वर्जन हो जाती है तो इसीलिए जो पी एंड क्यू बनते हैं लेकिन वो अभी भी बहुत कम बन रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो अब आ, अभी आप देखोगे कि एब एनजाइम्स क्या रोल प्ले करेंगे सो so, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब ट्रांजिशन स्टेट जो अनस्टेबल होती है वो कुछ तो बैक चली जाती है और कुछ रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ हमें प्रोडक्ट्स देती रहती है तो so, अब क्या किया गया है अब इसी चीज़ को एक्सप्लोर किया गया है बायोसिंथिस ऑफ एब एनजाइम्स के लिए तो एब एनजाइम्स को कंस्ट्रक्ट अब कैसे करते हैं हम यहाँ पे हम यहाँ एक्स से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर ये थ्री डी स्ट्रक्चर होता है जो ट्रांजिशन स्टेट का होता है हम इस एक्स से मिलता हुआ स्ट्रक्चर एक डेवलप करते हैं आर्टिफिशियली लैब के अंदर बनाते हैं जिसको हम जो जो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा जो ट्रांजिशन स्टेट का एनालॉग होगा मतलब बिल्कुल मिलता जुलता होगा सो so, इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट को अब क्या किया जाता है एक माउस में डाला जाता है सो so, ये कंस्ट्रक्ट जब करा जाएगा एनालॉग का इसको डाला जाएगा माउस में थ्री डी स्ट्रक्चर होगा क्योंकि इससे मिलेगा एक्स से माउस में जैसे ही हम इस एनालॉग को डालेंगे तो एन इस एनालॉग के अगेंस्ट माउस जो है ऑब्वियसली फॉरेन बॉडी माउस के अंदर गई है तो उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होंगी एंटीबॉडीज़ और हम अल्टीमेटली ये एंटीबॉडीज़ माउस के स्प्लीन से एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं अब हमारे पास ये एंटीबॉडीज़ बाहर आ चुकी हैं हम अब हम क्या करेंगे हम उस रिएक्शन मिक्सचर में जहाँ ये रिएक्शन चल रही है वहाँ पे हम ये एंटीबॉडीज़ को डाल देंगे तो उस रिएक्शन में अब क्या होगा जो ये स्टेट थी ट्रांजिशन स्टेट थी वो उसके साथ जाके हमारी ये जो एंटीबॉडी है वो क्योंकि एनालॉग था जो स्ट्रक्चर के इसके जिसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडी बनी है वो एग्जैक्टली एना लॉग था इसका तो एंटीबॉडी जो है इसके साथ जाके फिक्स हो जाएगी इसके साथ बाइंड कर जाएगी और इस स्टेट को स्टेबलाइज कर देगी तो जब ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये बैक नहीं जाएगा तो ये अब आगे की तरह तरफ रिएक्शन करेगा और बहुत हाई स्पीड से रेट ऑफ रिएक्शन करेगा तो इस प्रोसेस में हमने किया क्या है हमने एंटीबॉडी बनाई है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेट करवाई है माउस में अगेंस्ट दी ट्रांजिशनल स्टेट एनालॉग इसके साथ मिलता जुलता हमने कंस्ट्रक्ट किया उसे माउस में डाला माउस के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ क्रिएट की एंटीबॉडीज़ को एक्सट्रैक्ट आउट किया रिएक्शन मिक्सचर में वापस डाला इसको एंड इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किया ताकि रिएक्शन पी एंड क्यू जो बन रहा है हमारे पास वो और थाउजेंड टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड फोल्ड्स एक्सेस में बने सो so, ये हमारा प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स का प्रोसीजर होता है सो लास्ट में एक एग्जाम्पल करेंगे कि कैसा रोल ऑफ एंजाइम्स का रहा है बायोसिंथेसिस हीम के लिए हीम बनाने के लिए आपको पता है कि हमें आयरन मॉलिक्यूल चाहिए होता है जो पैरोल रिंग होती है प्रो, प्रोटोपो रिंग और इसको कोऑर्डिनेट करता है एंजाइम फिरोकिटोलेस इस प्रोसेस को जब मेटल डलता है इस रिंग के अंदर इस प्रोसेस को मेटलेशन कहते हैं मेटल डालना तो जो मेटल डलता है मेटल डलने के लिए पैरोल रिंग का 36 डिग्री पे बेंट होना बहुत ज़रूरी होता है लेकिन ये जो बेंट होता है ये डी वही ये ट्रांजिशनल स्टेट होती है ये फटाफट से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है तो ये 36 डिग्री पे हमें बहुत जरूरी चाहिए होता है क्योंकि आयरन तभी इसके अंदर इंसर्ट हो सकता है अब होता क्या है कि क्योंकि ये बेंड स्टेट ज़्यादा टाइम तक नहीं स्टेबल रह सकती है तो हमने क्या किया हमने एक ऐसा एब एंज़ाइम बनाया मिथाइल मीज़ोपॉरफ्राइम वो बिल्कुल ट्रांजिशन स्टेट का एनालॉग था बेंड ट्रांजिशन स्टेट का और उसको अगेन वही सेम प्रोसीजर के थ्रू माउस में डाला एंटीबॉडीज़ बनाई एंटीबॉडीज़ बनाई हमने और वो एंटीबॉडीज़ हमने उस रिएक्शन में डाली ताकि 36 डिग्री जो है वो बेंड ट्रांजिशन स्टेट के साथ अटैच हो और जो रिंग है वो डिस्टोर्ट ना हो और जो पूरा रिएक्शन है वो 2500 फोल्ड इंक्रीज हो जाए सो so, इस तरीके से बहुत सी ऐसी डिजीजेज हैं जो कि हमने एब एंजाइम्स के थ्रू क्रिएट करके लैब्स के अंदर हमने आगे इस चीज़ को यूज़ uh, में लेके आए हैं एब एंजाइम्स एंड द एंटीबॉडीज़ विच वर्क्स एज ए कैटालिटिक इन ए कैटालिटिक रिएक्शन